हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है इंडियन एस्थेटिक्स BFA थर्ड ईयर का, कॉड 302। तो हमारा अभिनव गुप्त चल रहा था, अभिनव गुप्त संक्षिप्त जीवन परिचय, ये वही वाला टॉपिक है। उसमें आगे का है मैटर, अभिनव भारती वास्तव में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका है। जो अभिनव भारती है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका है। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसकी टीका बताइए। भरत मुनि की तरह ही नाट्य शास्त्र का इन्होंने पूरा पूरा विश्लेषण किया। जो भरत मुनि है उनकी उनकी तरह ही नाट्य शास्त्र का इन्होंने विश्लेषण किया। उसके छोटे तत्वों में बांटा, मतलब उसके छोटे छोटे तत्वों में उसको बांटा। नाट्य में ये तीन अवस्थाएं इन्होंने बताई, मतलब जो नाटक है, नाट्य है, उसमें इन्होंने तीन अवस्थाएं बताई हैं। पहली है कार्यावस्था, सेकंड है अर्थ प्रकृति, थर्ड है संध्यांग। ठीक है, फर्स्ट जो है कार्यावस्था है, उसमें क्या है, जो जिसमें क्रिया हो। ठीक है, कार्यावस्था यानी करते हुए जिसमें क्रिया हो। अर्थ प्रकृति है नाटक में, नाटक के साधन। ठीक है, संध्यांग है, ये 60 अंग है नाटककार इनमें से जितना चाहे उपयोग कर सकते हैं। रस को ये सारे शास्त्र काव्य नाट्य संगीत आत्मा की आत्मा मानते हैं। यानी जो संध्यांग है वो ये 60 अंग है और नाटककार जो है वो इनमें से जितना चाहे उपयोग कर सकते हैं। रस को ये सारे शास्त्र काव्य नाट्य संगीत आदि की आत्मा मानते हैं। रस को विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव और स्थाई भाव में बांटा गया। जो रस है उसको ये हमने आपने पिछले उसमें चैप्टर्स में भी पढ़ा था, भरत मुनि का रस था जो, तो रस जो है वो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव और स्थाई भाव में बांटा गया है। रस केवल मूल या स्थाई भाव नहीं है वरन विभिन्न अंगों का संपूर्ण है। मतलब रस जो है वो मूल या स्थाई भाव नहीं है वरन वो विभिन्न अंगों का संपूर्ण है। सौंदर्य अनुभूति या रस अनुभूति को भी अभिनव गुप्त ने मानसिक स्तरों में बांटा, इंद्रिय कल्पना भाव रेचन और भावतीत अवस्था। जो सौंदर्य अनुभूति या रस अनुभूति है वो भी अभिनव गुप्त ने मानसिक स्तरों में बांटा है, इंद्रिय में कल्पना में भाव में रेचन में और भावातीत अवस्था में। सौंदर्य बोध इंद्रिय स्तर से ऊपर उठते हुए आत्मिक स्तर तक पहुंचता है। जो सौंदर्य बोध इंद्रिय स्तर है वो ऊपर उठते हुए आत्मिक स्तर तक पहुंचता है। इस सर्वोच्च स्तर पर आत्म और वस्तु का दैत्य पूरी तरह लोप हो जाता है। भावों का सामान्यीकरण होकर पूर्ण आनंद की अनुभूति होती है। जो मतलब जो ये वाला स्तर है इस पे जो आत्म और वस्तु का दैत्य पूरी तरह से लोप हो जाता है। भावों का जो सामान्यीकरण है वो पूर्ण आनंद की अनुभूति होती है, यही परमानंद की अवस्था है, यह भावतीत अवस्था है। दूसरी बात यह है कि सौंदर्य बोध स्थिर नहीं, निरंतर गतिशील है। मतलब जो सौंदर्य बोध है वो स्थिर नहीं है, वो निरंतर गतिशील है, यानी स्थिर रुका हुआ नहीं है, गतिशील है, चलता हुआ है कंटिन्यू। यह आत्मानुभव है, यानी आत्मा से जुड़ा हुआ जो अनुभव होता है, आत्मानुभव जो आत्मा को और अनुभव होता है वो है। अभिनव गुप्त ने सौंदर्य बोधक के व्यक्तित्व की मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी दी। जो अभिनव गुप्त है उन्होंने सौंदर्य बोध के व्यक्तित्व खुद की मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी दी है। उनके अनुसार रसिकत्व सहृदयत्व प्रतिभा व्युत्पत्ति भावना या च्वरणा तन्मय भाव सब इस व्यक्ति रसिक में होने चाहिए। मतलब उसके अकॉर्डिंग बताए हैं इन्होंने, एक तो रसिकत्व जो सहृदयत्व प्रतिभा व्युत्पत्ति भावना तन्मय भाव ये सब व्यक्ति में होने चाहिए। अर्थ सिद्धांत भी अभिनव गुप्त ने दिया। जो अर्थ सिद्धांत है वो भी अभिनव गुप्त ने ही दिया है। इन्होंने चार प्रकार के अर्थ बताए हैं।
अब ये नेक्स्ट अर्थ हैं, चार प्रकार के अर्थ कौन से बताए हैं इन्होंने। पहला है अभिधा या अभिधेय, दूसरा है लक्षण का, तीसरा है तात्पर्य, फोर्थ है व्यंग्य। पहला जो अभिधा है उसमें क्या है, सामान्य साधारण अर्थ। दूसरा लक्षण का है वो है किसी अर्थ से प्राप्त, ठीक है। पहला अभिधा या अभिधेय यानी जो सामान्य साधारण अर्थ है, दूसरा लक्षण का यानी किसी अर्थ से प्राप्त यानी जो किसी अर्थ से लिया हुआ हो, प्राप्त हुआ हो। तीसरा है तात्पर्य, इच्छा के अनुसार, मतलब के अनुसार, यानी जो आपकी इच्छा है मतलब है उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ है व्यंग्य यानी बताया गया, दिखाया गया, ठीक है। अंतिम या व्यंग्य सबसे अलग अर्थ है। अभिनव गुप्त का सौंदर्य सिद्धांत भी शैव आध्यात्मिक सिद्धांत टिका हुआ है, ठीक है। तात्पर्य का मतलब है कि इच्छा के अनुसार या मतलब के अनुसार व्यंग्य जो बताया गया या दिखाया गया, ठीक है। और अंतिम या व्यंग्य जो है वो सबसे अलग अर्थ है ना, जो व्यंग्य है वो सबसे अलग अर्थ है। अभिनव गुप्त का सौंदर्य सिद्धांत भी शैव आध्यात्मिक सिद्धांत टिका हुआ है, यानी जो अभिनव गुप्त का सौंदर्य सिद्धांत है वो भी शैव आध्यात्मिक सिद्धांत पर टिका हुआ है। ये इनके चार अर्थ हैं। ये नेक्स्ट है, ये अभिनव गुप्त के सौंदर्य शास्त्र संबंधी विचार उनके प्रसिद्ध ग्रंथ अभिनव भारती में मिलते हैं, यानी जो अभिनव गुप्त के विचार हैं वो उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिनव भारती उसमें मिलते हैं। जो उनके सौंदर्य शास्त्र जो संबंधी विचार हैं थॉट्स हैं वो अभिनव भारती में मिलते हैं। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका के रूप में दो भागों में उपलब्ध है। तो भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र की टीका है उसमें ये दो भागों में उपलब्ध है। अभिनव गुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है, ठीक है। जो अभिनव गुप्त का सिद्धांत है वो अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। इन्होंने भी भरत मुनि के अनुसार वह भरत मुनि के अनुसार ही नाट्य शास्त्र को आधार माना जाता है। वो नाट्य शास्त्र की टीका के रूप में ये दो भागों में उपलब्ध है और अभिनव गुप्त का सिद्धांत जो है वो अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। इन्होंने भी भरत मुनि के अनुसार ही नाट्य शास्त्र को आधार माना, यानी भरत मुनि के अकॉर्डिंग इन्होंने नाट्य शास्त्र को आधार माना है और उसे घटकों में विभाजित किया, ठीक है। इन्होंने बताया कि किसी सौंदर्यात्मक वस्तु के अंग परस्पर संबंध रहते हैं, इसी प्रकार इन्होंने सौंदर्य की वस्तु को और सामान्य अनुभव की विषय वस्तु को अलग माना। सामान्य व्यक्ति और सहृदय रसिक में भी भेद बताया। इन्होंने भट्टनायक के साधारणीकरण मत के मत का खंडन किया, मतलब इन्होंने जो सौंदर्यात्मक वस्तु के अंग परस्पर संबंध रहते बताए हैं, इसी प्रकार इन्होंने सौंदर्य की वस्तु और सामान्य अनुभव की विषय वस्तु को अलग माना है और सामान्य व्यक्ति और सहृदय रसिक में भी भेद बताया। इन्होंने भट्टनायक के साधारणीकरण के मत का खंडन किया। इनके अनुसार रसानुभूति के लिए प्रेषक या सहृदय को सर्वप्रथम और स्वयं को इन्होंने सभी विघ्न बाधाओं से मुक्त कर लेना चाहिए, तभी वह रसानुभूति के लिए तत्पर होगा। यानी स्वयं को जब हम सभी विघ्न बाधाओं से मुक्त कर लेंगे तभी वह रसानुभूति से यानी रसानुभूति से तत्पर होगा। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा तब तक स्थायी भाव संभव नहीं होगा। रसानुभूति अमूर्त और अलौकिक अनुभूति है, मतलब जब तक चित्र एकाग्र नहीं होगा यानी एक नहीं होगा तब तक स्थायी भाव संभव नहीं होगा। रसानुभूति अमूर्त और अलौकिक अनुभूति है, उसे आत्मानंद भी कहा गया, मतलब रसानुभूति अमूर्त है और अलौकिक अनुभूति है, उसे आत्मानंद भी कहा गया है। इस दिव्य रसानुभूति के लिए रसिक को बाहरी बंधनों अवरोधों से मुक्त होना होगा। यानी जो रसानुभूति के लिए जो बाहरी बंधन है रसिक को, उसमें वो अवरोधों से मुक्त होना होगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।